नौजवानों को कि जिन्होंने मेरे कुछ बिना कहे अपने दिल की अकीदत पेश कर दी मुन्ना भाई, क्योंकि सिर्फ मुझी को नहीं मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था और प्यारा है। प्यारा नहीं होता मोइनुद्दीन को कभी नहीं भेजते। हर कर्म अपना करेंगे, एक एक हिंदुस्तानी की, एक एक भारत वाले की आवाज आना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी की आवाज गूंजना चाहिए इस महफिल में। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बाटो छत के ऊपर एक तिरंगा क्या बात है, क्या बात है। मैंने अभी देखा ये जो स्टेज के आगे लगे हुए गुब्बारे, तो ये तिरंगा बनाया है।
लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा। क्योंकि गांधी ने जो बनाई थी तस्वीर नहीं है। हेलो सर, गांधी ने जो बनाई थी तस्वीर नहीं है, नेहरू के भी ख्वाबों की ताबीर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वैशी को इंसान बना दे या अल्लाह, वैशी को इंसान बना दे या अल्लाह। मैं इसको खड़े होकर पढ़ाऊं इस शेर को, क्योंकि दुआया शेर है। निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वैशी को इंसान बना दे या अल्लाह, ये हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। धरती तो रही धरती, अंदर को क्या कर। हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे, धरती तो रही धरती, अंबर को हिला देंगे। और ऐ हिंदू मुसलमानों, ऐ हिंदू मुसलमानों, आपस में तो मिल जाओ, हम देश के दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। राज साहब बड़े मूड से पढ़ते थे शेर को, क्योंकि किसी एक के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। राज साहब पढ़ते थे, मैंने खूब सुना उनको, लाइव भी सुना स्टेज पे। धुआं धुआं सा है, ये आसमान थोड़ी है। राज साहब का अंदाज ये था स्टेज पे। धुआं धुआं सा है, ये आसमान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां क्या साहेबान थोड़ी है।
और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। समंदरों में भी उतरे तो रास्ता हो जाए, समंदरों में भी उतरे तो रास्ता हो जाए। हिंदू मुस्लिम में खुदा ऐसी, हिंदू मुस्लिम में खुदा ऐसी एकता हो जाए। हिंदू भाई जो दोस्त बैठे हैं मेरे सामने तशरीफ फरमाए हैं, और मुसलमान भाई है, क्योंकि ये वो सूफिया इकराम है जिनकी सरपरस्ती है इस महफिल के लिए। मुनव्वर राना कहते हैं कि हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। सर, हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। क्या कहें, हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी। असलम भाई मेरी फरमाइश का इनकार नहीं करता है, ये अलग बात है, इजहार नहीं करता है। हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। ये सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां दुनिया की। हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, वाह वाह क्या कहें, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। ये तो मकाम बाप है, वो मकाम बुजुर्ग है, और ये मकाम इनका है जिनकी बदौलत हम दुनिया में आए, जिसके पेट से दुनिया में आए। यूं कहूं तो भी फख्र है मुझे, क्योंकि तमाम वली कुतब अपनी माँ की बदौलत बने। अगर वो किरदार नहीं होता तो ये मकाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेहमानों खसूसियों के पास टाइम कम रहता है, इसलिए मैं ये चंद आशार इन लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पूरी रात तो फिर जैसे मेरी महफिल सुनेगी वैसा इंशाल्लाह पढ़ूंगा, मगर ये कुछ नगीने दे रहा हूं। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की
सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। वाह वाह क्या कहेंगे, वाह। मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क्योंकि होश क्या चीज थी, होश क्या चीज थी, आसान भी ले सकता था वो, कसम खाने को कुरान भी ले सकता था, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने, वरना वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। जो लड़ाता है आपस में भाई भाई को, भाई भाई को नफरतें बांटने, नफरतें बांटने वाला ही फना हो जाए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है।